ये देखिए दोस्तों कितने तंग रोड है यहाँ के। हाय गाइस, इतनी गर्मी में यहाँ पे इतनी रोब वाली। तो इनका सारा सामान इसमें है, तो अभी निकलते हैं। एक्साइटमेंट लेवल मेरा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी उठा हूँ मैं 10-12 अलार्म बजने के बाद, क्योंकि आज जाना है, मेरी ट्रिप है हिमाचल की। सो उठ के अभी रेडी होते हैं एंड मिलते हैं आपको रास्ते में। सो दोस्तों रेडी हो गए हैं और अभी चाय है हमारी, पराठे हैं, ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं 5 या 10 मिनट में। एंड ये अपना गेटअप है आज का, इसमें यार अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। एनीवेज सो अभी निकलते हैं एंड मिलते हैं आपसे आगे रास्ते में। तो हेलो दोस्तों, आज निकल पड़े हैं एक और सफ़र की तरफ और अभी आई एम कम्प्लीटली रेडी। मैं वेट कर रहा हूँ मेरी कैब की। कैब आते ही ये अपना पूरा बैग पैक हो चुका है एंड दो दिन का सारा सामान इसमें है, तो अभी निकलते हैं। एक्साइटमेंट लेवल मेरा टॉप पे है। तो दोस्तों शिवरात्रि का माहौल है, ये देखिए मंदिर कैसे सजा रखा है। और हम इस स्पेशल दिन में जा रहे हैं देवभूमि, स्पेशल शिवरात्रि। और ये देखिए चंडीगढ़ की बेहद ही खूबसूरत सुबह का नज़ारा। अरे भाई भाई भाई, आराम से यार, मरना है क्या? लोग ऐसे ही सीधे गाड़ी के आगे आ जाते हैं यार। ये देखिए दोस्तों रास्ते में आए हैं पंजाब के हरे भरे खेत, और बड़ा ही अच्छा गांव वाला ये नज़ारा है। देख के बड़ा मज़ा आ गया यार, अपने खेतों की याद आ गई। 4-5 हज़ार। दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं, ये हमारी डेस्टिनेशन है। तो ये यहाँ पे बोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल है एंड ये शायद राधा स्वामी हॉस्पिटल बताया था नाम मेरे को। अभी मैं वेट कर रहा हूँ मेरे दोस्तों की, अभी ढूंढ लेते हैं हमारे फ्रेंड्स किस साइड है। लेट मी मेक अ कॉल। शायद एक आगे बलिनो गाड़ी भरी है, मुझे लगता है बलिनो में आए हैं दोस्त हमारे। लस्सी ये देखिए ऊपर कितना अच्छा आसमान हो रखा है, इट्स अ ब्राइट सनी डे। देखिए पीछे का नज़ारा, देखिए वो पीछे बलिनो खड़ी है, तो दैट इज़ द कार। दोस्तों अभी बैठे हैं, वेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स की। यहाँ पे आगे ना गाड़ी लगी, बढ़िया लगता है मेरे को ना ठहरा हुआ सब। जैसा कि मैं कभी भी जाता हूँ हिल स्टेशन पे, तो ऑलवेज जाने से पहले तक का तो थोड़ा सा आलस सा आता है ना, लेजी फील करता है बंदा, जाना है, उठना पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रैवल में भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, बट यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगता है। ये जो सुंदर सुंदर पेड़ पहाड़ों पे, और तो चेंज रहता है माइंडसेट, तो चेंज की ही ज़रूरत थी। तो हम आए हैं यहाँ पे मज़ा करने, और आगे के अच्छे अच्छे प्लान्स हैं। यहाँ पे एक वेब सीरीज़ के लिए भी हम लिख रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है इसकी, एक वो लिखने का स्क्रिप्ट। चलो देखते हैं, मिलते हैं विनय सर से एंड अपने ब्लॉगर भाई विशाल से, वहाँ पे जाके डिस्कस करते हैं सारा। आगे हैं हमारे दोस्त विशाल से, शायद मोड़ी नहीं जा रही गाड़ी, लंबा कट लेता है भाई।
इतनी गर्मी में यहाँ पे इतनी लेकिन हिमाचल के नाम से ये लगता है ना कि हरदम बहुत ज्यादा ठंडी। सो ही इज डॉक्टर विनय मोदगिल एंड ही इज आवर ब्लॉगर फ्रेंड विशाल मोदगिल। सो चलो बैठने के लिए पूछ लो अब। चलो तभी तो बोल रहे चलो। फाइनली अब घर की तरफ चल रहे हैं। और क्या प्लान है सर आज आपके? बहुत सारे प्लान है अभी रिवील नहीं कर रहे। ठीक है तो जाके एग्जीक्यूट करते हैं। और मुझे भी थोड़ी भूख लगी है तो घर जाके खाना वाना खाते हैं थोड़ा सा फ्रेश। स्पेशल बनाया बैंगन का भरता। ओके और तो वाह यार आज तो घर का खाना खाने को मिलेगा। और बैंगन का भरता तो मेरा फेवरेट है। और क्या। सो गाइस आपको आपको दिखा सकते हैं हम खिला तो नहीं सकते हैं। ये आए हैं हम सब्जी की दुकान पे। ये है यहाँ की मार्केट पट्टा बोलते हैं जगह का नाम। बस अभी जाके घर पे जाना है खाना खाना है और थोड़ी देर सोना है उसके बाद आगे की जो भी प्लानिंग है सारी करते हैं। ये देखिए दोस्तों कितने तंग रोड है यहाँ के। खतरनाक चढ़ाई है यहाँ। कोई आ जाए तो दोबारा पीछे जाना पड़ेगा। देख सकते हैं आपकी कैसे ही ड्राइवर के ऊपर क्या बनती होगी। तुम्हें याद है वो इंसिडेंस अमरेला वाला? यस। अपने व्यूज के साथ शेयर करो। कौन से वाला? क्या कांट हुआ था जो शिमला वाली खड़ी चढ़ाई थी? हाँ जी हाँ जी हाँ शिमला वाली खड़ी चढ़ाई थी और हम आधे रास्ते पहुंच चुके थे लेकिन वहां पे ऊपर से एक गाड़ी आ गई और हमारा जो जितने जितने हमने ताकत लगा रखी थी प्रेशर बना के एक्चुअली गाड़ी ऊपर चढ़ाई थी तो वो पीछे लानी पड़ी गाड़ी एंड वो बड़ा ही हेक्टिक हो गया था। वो तो मैं भूल नहीं सकता वो दिन। तो हैवी ड्राइवर थे तो हैवी ड्राइवर को नीचे लाने में भी दिक्कत हो रही थी। एनीवेज देखिए आप रोड ये बड़े ही सकरे जो बोलते हैं हम हिंदी में सकरे पगडंडी है। दूसरी गाड़ी आ जाए तो कोई रास्ता नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा ना सब्र रखना पड़ता है। ऐसे नहीं दिल्ली वाले लोंडे जो होते हैं या फिर हाँ लड़ने लग जाते हैं ना तो लड़ना नहीं होता। यहाँ पे प्यार से गाड़ी चलानी होती है तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो बीच में गाड़ी खड़ी कर दी है इन्होंने ये रास्ता नहीं दे रहे हमें। ये लाडली चल थोड़ी सी साइड में तो हो ही सकती है। देखो लाडली लिख रखा। हिंदुस्तान में ये अच्छा लगता है मेरे को ना अपने जो व्हीकल्स हैं उनको उतना ही प्यार करते हैं। लाडली बना के रखा है। हाँ जी यही तो हमारी संस्कृति है। हम हर एक चीज को अपना मानते हैं और उसको उसी तरह से यूज करते हैं ताकि हमारे काम धंधे में उतना ही अच्छा आउटपुट मिले। क्यों भी सारी चीज ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही। बस अब पहुंच गए हैं भूख लगी है मेरे को बहुत तेज से तो जाके अपना खाते हैं आंटी के हाथ के खाना। अब बैंगन का भरतू बना है तो सेम स्पॉट पर ना आज जो मैंने प्लान किया है पूरी वीडियो है। एंड व्लॉग को यार पूरा आखिरी तक देखिएगा और अच्छी अच्छी आगे भी वीडियोज हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो गाइस खाना आ गया है। ये देखो लस्सी ये मेरा फेवरेट बैंगन का भरतू एंड ये चपाती गरम गरम। तो अभी खाना खाते हैं एंड फिर शाम का प्लान क्या है काकू? शाम का देखते चलते नीचे साइड जंगल चलते हैं। जंगल चलते हैं फिर शाम को हंट पे चलते हैं। हंट पे चलते हैं। ओके क्या बोल रहा है?